हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूँ। आरआरबी एएलपी ग्रुप डी और अन्य टेक्नीशियन और अन्य अदर एग्जाम्स के लिए जहां भी जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस आते हैं और उस सभी की लाइव क्लासेस लेकर जैसे दोपहर के 12 बजते हैं तो एक दिमाग में घंटी बजती है और मैं आपके लिए लाइव सेशंस लेकर आ जाता हूं। ये जो क्लास है साथियों, भरोसा रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त है। हालांकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है क्योंकि अभी आपको समझना पड़ेगा। जैसे 59वीं क्लास है, ठीक है, 59th, तो आपने दो सब्जेक्ट कवर कर रहे हो। मतलब जैसे साइंस तो है, हम सोचते तो उसे जनरल साइंस है, लेकिन अगर आप मोटे तौर पे देखोगे तो जैसे फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई और बायोलॉजी हो गई और विविध मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आते हैं इकोलॉजी वगैरह से, अपने आप में सब अलग अलग सब्जेक्ट हैं। 6 से 12 तक पढ़ते हो तब भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होता फिजिक्स, समझते हो ना। लेकिन आपने 40 से 45 क्लास में करा है तो आप लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा कि आपने मेहनत से कंप्लीट किया, बहुत मेहनत की आपने। इसी तरह केमिस्ट्री में कर रहे हो, एक बार पूरी कर लो, कहीं भी बैठ जाना, कोई इशू नहीं है। देखो, छोटा छोटा तो आप हमेशा करते हो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ कभी थोड़ा एक्स्ट्रा भी करना चाहिए जिससे कि पूरी तरीके से तैयारी हो जाए। बायोलॉजी और अच्छे से करा दूंगा, फिक्र मत करना। अभी केमिस्ट्री चलने दो आराम आराम से, पहले मैं जल्दी के मूड में था। बायोलॉजी रात वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 20 के आसपास से, 20 मई के आसपास से। एक एक रात में मोस्ट अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे आराम से 10 से 15 दिन में बायोलॉजी रात में, क्योंकि वहां मुझे 3-4 घंटे मिल जाते हैं तो मेरे लिए आसानी होती है। 1 घंटे में थोड़ा चार्ज होने में समय लगता है, कॉन्सेप्चुअल चीज होती है थ्योरी। तो स्टार्ट करें आज का। तो आप लोग आज एक थोड़ा सा गवाह भी बनोगे किसी चीज के। आज हमारे 18 लाख होने वाले हैं, 1.8 मिलियन। तो जिसको आवाज नहीं आ रही वो लोग रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं बेटा। डिसलाइक विसलाइक के आप लोग फिक्र मत करो, आप लोग पढ़ो। अब हम सब इन चीजों से उभरेंगे, अब बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। अब जब भी हम ऐसी चीजें देखेंगे तो हमें उसमें से अच्छाई दिखनी चाहिए, हमें यह अच्छाई दिखनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने हमको परखा और परख के उसने अंदाजा लगाया कि यहां पर अच्छा नहीं है, तो हमें सुधार करने की गुंजाइश करेंगे। आने दीजिए, चलने दीजिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, दुआएं करते रहिए, सब्सक्राइब, क्योंकि ये हमारा कुछ नहीं है यारो, इसमें तो जो कुछ है तुम्हारा है। जो कुछ दिया तुमसे तुमको, मतलब जो कुछ लिया तुमसे लिया, जो कुछ दिया तुमको दिया, सब कुछ तुम ही से है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो ऐसे समझ लो उस मंदिर की मूर्तियां हैं, मतलब जिस मंदिर में जब तक आप आ रहे हो, मतलब भक्त आ रहे हैं, जब तक उसमें श्रद्धा है तब तक तो वो ठीक है, उसको खंडर बनने में टाइम नहीं लगता। तो हम तो ऐसे ही वो मूर्ति आएंगे, भैया जब तक पूजोगे ठीक है, नहीं पूजोगे उठा के रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग रहोगे हमेशा, तो पढ़ो, आगे बढ़ो और जीवन में एक उच्च आदर्श वाला जीवन जीने की कोशिश करो, दुनिया के लिए कुछ बदलाव की कोशिश करो। बाकी खाना पीना नौकरी चैटिंग बेबी बाबू ये तो दुनिया यही रह जाएगी, सब मोह माया है, इससे आगे बढ़ो। तो 929 होने वाले हैं, अब थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं कितने होते हैं। सर स्लाइड नंबर 1, बेटा आज उसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है ना, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं उसके साथ कंप्लीट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आया करो लाइव, बाकी तो ठीक है, नहीं भी आओगे कोई बात नहीं, पढ़ा करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट जो हमारी धातु होगी, नेक्स्ट मेटल वो होगा आयरन, लोहा, इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो लोहा ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों में और हमारे अंदर हीमोग्लोबिन में पाया जाता है,
26 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 56 इसका मास नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या। अयस्क, अयस्क होते हैं हेमेटाइट, ऊपर कर देना सर स्लाइड को, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, जो मैग्नेटाइट नाम का अयस्क होता है, और एफिथ्रोई O4, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, मैग्नेटिज्म वाला कुछ गुण होता है। उसके बाद में सिडेराइट FeCO3, मतलब फेरस कार्बोनेट, और उसके बाद में लिमोनाइट और आयरन पाइराइट भी इसके अन्य होते हैं। ठीक है, तो इसकी ये ओर्स होती हैं, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, आयरन पाइराइट। एक आपको ध्यान देने वाली जरूरत है बच्चा, ये जो जिसमें H2 लगा रहता है पीछे, इन्हें पाइराइट बोल देते हैं। तो आयरन पाइराइट FeH2, ये इसकी कुछ ओर्स हैं। उसके बाद में अगर मान लो आयरन हमारी बॉडी में अधिक हो जाता है, हमारी बॉडी में ज्यादा आयरन हो जाता है, हाँ इसको पढ़ते रहिएगा, तो अगर हमारी बॉडी में ज्यादा आयरन हो जाता है तो हमें साइडरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। देखो, जब मान लो कोई सामान, लोहे का सामान किसी गाड़ी में जा रहा हो तो आप उससे बचने के लिए साइड हो जाते हैं ना, तो ऐसे समझ लो लोहा और लोहे से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा आपको, साइडरोसिस। क्या हो जाएगा, साइडरोसिस। ठीक है, ये एक्सेस होने से बीमारी होती है। उसके बाद में, और अगर कम हो जाए आपके अंदर तो अनीमिया नाम की बीमारी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एक्सेस और इसकी कमी से, कमी से अनीमिया नाम की बीमारी होती है, और ज्यादा होने से दोस्तों साइडरोसिस नाम की बीमारी। आयरन के कई प्रकार होते हैं, मतलब आयरन जो बनाया जाता है वो कई प्रकार के आयरन बनाया जाता है। जैसे नंबर वन पिग आयरन, मतलब जब लोहा बनता है ना, जब उसको गलाते हैं, जब उसको गर्म करते हैं आयरन के अयस्क को निकालने के बाद में, तो उसमें कई तरह की वैरायटीज होती हैं। नंबर वन पिग आयरन, ये सबसे अशुद्ध होता है। पिग आयरन सबसे अशुद्ध होता है क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस वात भट्टी, वो भट्टी होती है जहां पे कार्बन रिडक्शन, मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें से आयरन का, मतलब उसकी ओर से आयरन को हम निकालते हैं, तो जब इसके अंदर कार्बन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है और इसमें कुछ अशुद्धियां भी होती हैं तो उसे हम पिग आयरन कहते हैं। 4% के लगभग आयरन आयरन होता है। दूसरा होता है कास्ट आयरन, डेट इज ढलवा लोहा। ढलवा लोहा, जो ढलवा लोहा होता है उसे, उसमें पिग आयरन में थोड़ा सा ही जो स्क्रैप वाला आयरन होता है ना, जो हमारी कबाड़ियों से मिलता है, इसको मिला के बनाया जाता है। बेटा कार्बन की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, सबसे ज्यादा कार्बन पिग, सेकंड कास्ट जिसे ढलवा लोहा बोलते हो। और ये गर्म पानी वाली जो पाइप होती है ना, जिनमें गर्म पानी जाता है, या बिजली के खंभे जिनमें इस तरह की चीजों को बनाने के लिए कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है। तीसरा होता है दोस्तों रॉट आयरन। तीसरा क्या होता है इसमें, रॉट आयरन। देखो सबसे पहले याद रखना, पिग आयरन में 4% के करीब कार्बन होता है, तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आयरन, इन आयरन की वैरायटीज को कार्बन की घटती या बढ़ती मात्रा में लगाओ, तो सबसे ज्यादा पिग में, सेकंड नंबर पे होता है इसमें कास्ट आयरन ढलवा लोहा, और तीसरे नंबर पे होता है रॉट पिटवा लोहा। तो देखो लिटा दिया, रॉट पिटवा, पिटवा का मतलब क्यों होगा, क्योंकि इसकी शीट बनाई जाती है। ये जो क्वालिटी होती है, ये जो वैरायटी होती है आयरन की, ये सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल होती है, इसीलिए चेन, हुक, नेल्स, बोल्ट वगैरह जो होती हैं, कील जो होती हैं, इन सबको बनाने के लिए हम इस वाले आयरन का इस्तेमाल करते हैं, रॉट आयरन का। क्लियर है? और इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, कोने में दिख रहा है ना कार्बन, 0.12% से 0.25% तक इसमें सबसे कम मात्रा होती है। ठीक है, ढलवा लोहा। फिर आ जाती है एक और, जिसमें अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजों का मिलावट कर दें कार्बन की मात्रा को कम ज्यादा, तो हमें नेक्स्ट मिलता है इस्पात, डेट इज स्टील। क्वेश्चन आता है कि आयरन की कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा आघात वर्ग होती है, मतलब सबसे ज्यादा मेलिबल होती है, तो आप उसे रॉट आयरन कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों स्टील। स्टील कई प्रकार की होती है। असल में आयरन के अंदर जो कार्बन होता है ना सी, तो कार्बन की मात्रा को घटाकर और बढ़ाकर स्टील बनाई जाती है। कई प्रकार की होती है, जैसे कुछ आपको दिख भी रहा होगा निकिल, अगर आपने निकिल मिला दिया, मतलब आयरन और कार्बन तो है,
अगर आपने निकल मिला दिया तो निकल स्टील, आपने उसके अंदर क्रोमियम मिला दिया, ये बर्तन होते हैं ना स्टील के बर्तन जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं, बाल्टी कटोरी स्टील की ये होती है स्टेनलेस स्टील, इसमें क्रोमियम मिलाई जाती है। असल में क्या होता है बच्चा कि अलग अलग प्रकार हमें अलग अलग जगह यूज करनी हो, कहीं पे हमें जहां पे रस्ट ना हो मतलब जंग ना लगे हमें इस प्रकार की कोई क्वालिटी चाहिए, कहीं पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, कहीं पे हमें उसकी डक्टिलिटी ज्यादा चाहिए, तो हम कार्बन के साथ साथ अन्य धातु ऐड करते रहते हैं। तो निकल मिलाया तो निकल स्टील, और स्टेनलेस स्टील में क्या मिला होता है क्रोमियम, कभी कभी इसकी मात्रा 12 से 18% और 10 से 30% तक भी हो सकती है। उसके बाद में मैंगनीज, अगर मैंगनीज मिलाया है तो मैंगनीज स्टील, और एक स्टील का नाम होता है इनवार, याद रखिएगा इनवार नाम की जो स्टील होती है इसमें निकल 36% तक हो जाता है, मतलब निकल की मात्रा आयरन और कार्बन के साथ निकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है इनवार नाम का जो होता है इसमें कम एक्सपेंशन होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को, इसमें कम एक्सपेंशन होता है। कम एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ये थोड़ा खिंचता कम है, तो सबसे अच्छा इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है पेंडुलम बनाने में, पेंडुलम का जो वायर होता है ना, तो आपको पता है अगर पेंडुलम की लेंथ घटेगी या बढ़ेगी तो पेंडुलम के टाइम पीरियड पे असर आता है, आवर्तकाल पे, ये सब मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, तो इसमें इनवार नाम की स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा ये अलग अलग प्रयोग के हिसाब से यूज की जाती हैं, तो आप अपना क्रोमियम वगैरह का वो अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है ये बात, पढ़ते रहिएगा, बात मत कीजिएगा बातों से नहीं, क्योंकि बेटा फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ब्लॉक हो जाओगे। तो आगे आ जाता है, आपको स्लाइड दिख रही होगी कि बर्तन दिखाई दे रहा है, बर्तन है स्टील का बर्तन, तो स्टील के बर्तन के जो निचला वाला हिस्सा होता है बाबू, स्टील के बर्तन का निचला वाला हिस्सा वो कॉपर का बनाया जाता है। अब आप कहोगे सर हमारे घर के जो बर्तन है उसमें तो ऐसा नहीं है, तो बाबू बिना कॉपर के बर्तन के भी हो सकता है, पर याद रखिएगा स्टील के जो बर्तन होते हैं, स्टील के जो बर्तन होते हैं इनमें कम हीट कंडक्टिविटी होती है, ये ऊष्मा को ज्यादा नहीं सोखते, ऊष्मा को ज्यादा नहीं सोखते, तो इनके अंदर हीट कंडक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कॉपर। ओके बेटा, तो अब 18 लाख पे आ गए हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसके अंदर कॉपर का इस्तेमाल होता है जिससे कि इसकी हीट कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और इसकी हीट कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो ये आराम से कंडक्ट कर सकता है। तो अब मैं हनुमान सर को बुलाना चाहूंगा, बाकी सारे सरों को भी बुलाना चाहूंगा कि आए और 18 लाख का ढोल पीटें और 18 लाख के सेलिब्रेशन करें। ढोल हमारे पास नहीं है वरना उसको बहुत तेज से पीटते। गाइस क्या करना है आपको, सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको 18 लाख हो गए उसकी बहुत बहुत बधाइयां, वापस कम कर दिए बच्चों ने, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 18 लाख का स्क्रीनशॉट लेके उसकी डीपी आपके फेसबुक पे व्हाट्सएप पे जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो वहाँ पे शेयर कीजिए और लगाइए और बोलिए कि हमारे वाईफाई स्टडी फैमिली के 18 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए, हमारी फैमिली में 18 लाख लोग हो गए हैं अभी। और दूसरा, और जल्दी इसको 18 लाख को 2 मिलियन कीजिए, 2 मिलियन करने पे आपका आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं, और जल्दी 2 मिलियन के बाद हम पटना भी आएंगे, तो बिहार वाले सभी लोगों से मेरा मतलब हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से जल्दी वो घड़ी लाएं जिससे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हम आपके साथ सेलिब्रेट करें पटना आकर, ठीक है। चलता हूँ मैं संजीव सर के पास, काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं कुछ कहने के लिए। पहली बार ऐसे मौके पर हम आए हैं कि 18 लाख हो रहे हैं और क्लास में हम आए हैं, बाकी टाइम तो मेरी क्लास नहीं होती थी, हम नहीं होते थे। 92 हो गए, थोड़े से और बढ़ाने हैं, 92 हो गए हैं, थोड़े से और इंक्रीज करिए, बस आठ, बस आठ ही हो रहे हैं, एग्जैक्ट 18 लाख आएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और व्हाट्सएप डीपी जहां भी आप शेयर कर सकते हो, जहां तक पहुंचा सकते हो पहुंचाइए। 94 हो गए, बस 6 और, थोड़ा सा और बढ़ाइए, 95, वेरी गुड, थोड़ा सा और, पांच और रह गए। अरे कम मत करिए भाई, बढ़ाना है, 18 लाख एग्जैक्ट ले जाने और फिर स्क्रीनशॉट, पहले 18 लाख का स्क्रीनशॉट हमें भेजेगा, उसके लिए कुछ ऐसा कुछ सरप्राइज तो नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ी चीज होगी हमारे लिए कि आप सबसे पहले व्यूअर होंगे जिन्होंने 18 लाख का स्क्रीनशॉट हमें भेजा, उनका नाम अनाउंस कर देंगे हम।
91 हो गए। विवेक सर कुछ बोलिए बच्चों को। अरे भाई कर दो इसको फटाफट से, क्यों ऐसा कर रहे हो? हालांकि अठारह लाख तो हुई गई थी, तुम लोगों ने थोड़ा सा ये पाप कर रहे हो, पाप मत करो फटाफट से, इसे बहुत ज्यादा वो लगेगा तुम लोगों को पाप। 18 लाख तो वैसे आ गए हैं हमारे पास, 18 लाख हो गए थे, इसको तुम लोग कर दो, ज्यादा खेल मत खेलो। शाबाश 94। दोस्तों कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है एक बार अपना एक्सपीरियंसेस यहाँ आप कमेंट में शेयर कीजिए कि 18 लाख की फैमिली हमारी हो चुकी है, 18 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं, 18 लाख की इतना बड़ा परिवार हमारा हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान में 18 लाख लोग हमारे साथ हैं जो इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब इसको ज़्यादा कम मत कीजिए यार, 984 कर दिया, फटाफट इसको 18 लाख डॉट और स्टैटिक रखना है, उसको 18 लाख पे लाना है, स्टैटिक रखना है भाई। 985 हाँ कम मत कीजिए, आगे बढ़ाइए। कम कर रहे हो, कम नहीं कर रहे, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है यहाँ पे, आपको टीम वर्क करना है, सभी को मिलके टीम वर्क करना है, कोऑर्डिनेट करके फटाफट 18 लाख देखिए कितनी जल्दी करते हैं आप लोग। हितेश सर काफी देर होगी लैपटॉप पकड़े हुए, कुछ कहना चाह रहे हैं हितेश सर? नहीं हम तो कहेंगे कि 3 जनवरी को हमारा 5 हुआ था, 24 फरवरी को 10 हो गया था, और उसके बाद आज भी 10 ही है ना, तो 10 तारीख को भाई 18 लाख कर दो, और फिर जल्दी से जल्दी अगर पटना बुलाना चाह रहे हो तो 2 मिलियन कर दो। तभी सर ने अनाउंस कर ही दिया है, मतलब अनऑफिशियली, लेकिन ऑफिशियली जल्दी अनाउंस हो जाए, अनाउंस कर देंगे। हाँ डेट्स अनाउंस कर देंगे, वैसे 2 मिलियन पे जो वादा किया था पटना आने का, 2 मिलियन पे पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो तैयार हो जाइए, बिहार की आबादी इतनी है, मतलब हम लोगों के साथ जल्दी से जल्दी 2 लाख जुड़ जाए और हम लोग वहां पहुंच जाए, हमारे भी अंदर एक्साइटमेंट है, विवेक सर के अंदर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है बिहार जाने का, सर के अंदर कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है बिहार की। चलिए ठीक है, अब एक काम करो फटाफट से करो, जल्दी हो गया बहुत, फिर क्लास आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से कीजिए बेटा 18 लाख कीजिए जल्दी से। और हाँ पाप तो ठीक है, पर बेटा शादी का सोच लेना, ब्याह तुम सब करवाना है, और मास्टरों की दुआ से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ना हो ना। जल्दी से कर दो फटाफट से 18 लाख, और तुम्हारा देखो जल्दी से जल्दी तुम्हें जल्दी खुशखबरी मिलेगी, शाम तक खुशखबरी मिलेगी, फटाफट से कीजिए। विवेक सर हो गए, शाबाश शाबाश, देखो हो गए बिल्कुल, होने वाले कर दो, शाबाश। सली जी कीजिए, एक बार हो रहे हैं कीजिए कुछ आप भी। हाँ सर कीजिए। देखिए क्या है कि हाँ लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग मतलब अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, लेकिन आप गलत कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, बगल वाले के मोबाइल से कर दो, मम्मी मम्मी के मोबाइल से, बहन के मोबाइल से, चाचा के मोबाइल से, इतने भी मोबाइल है घर में, सबसे कर दो यार जल्दी से, कर दो। और आप सब्सक्राइब तो करो, जब हम आपसे पर्सनली मिलेंगे मेरे तरफ से एक गिफ्ट होगा, आप बस अपने साथ 18 लाख का स्क्रीनशॉट रहना, ठीक है पक्का, विवेक सर की तरफ से भी। हाँ तो हितेश सर ने भी स्पेशली गिफ्ट दिया यार, जब भी मिलेंगे आप अपना स्क्रीनशॉट दिखाओ और स्पेशल गिफ्ट ले जाओ हितेश सर की तरफ से। बिल्कुल, बिल्कुल। दो और बचे, लास्ट टू 98 हो गए दोस्तों, दो और, अरे कम मत करो, बढ़ाना है, कम नहीं करना, बढ़ाना है इसको। सब लोग रुक जाइए, केवल 3 लोग अपने आप को चुनिए, या तो हम लोग यहाँ से कर देते हैं। कम नहीं करना है, या कर दो, क्यों कर रहा है ऐसे भाई, जैसे जैसे हाँ, कम करते हो ना तो जी लगा के बाहर आ जाता है भाई साहब, संदर डालना पड़ता है, ग्लूकोज चढ़वाने ले जाना पड़ेगा विवेक सर को यार। बिल्कुल इंतजार सर ऐसा ही होता है, अभी हम निकले 12 बजे ऑफिस से। हो गए दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को पूरी वाईफाई स्टडी की पूरी टीम की तरफ से और दिनेश सर की तरफ से 18 लाख की फैमिली होने पे, और जल्दी इसको 2 मिलियन कीजिए, 2 मिलियन करने पे हम लोग आपसे पटना मिलने के लिए आएंगे, और उसके बाद आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज लाएंगे 2 मिलियन पे। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी अगले, अरे कम मत करो यार, अब कम मत करो, एक बार हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब 18 लाख हो गए, अब देखो वो है ना, एक बार हो गया, हाँ फिर तुम कुछ कह लो, लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो बेटा 18 तो हो गए, अब फिर वो विवाहिती लिखा जाता है वहां पे। तो हमारे हितेश सर का भी विवाह हो चुका है, और ये अपने आप को मानते नहीं है विवाहित, हम अभी भी दिल से बैचलर है, हम दोनों यहाँ शादीशुदा है, ये दोनों बैचलर है, लेकिन हितेश सर टीम में हम, आप और दिनेश सर, हाँ हम 3 लोग ही शादीशुदा है, बाकी आप देख ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और सुपर डुपर सरप्राइज के लिए आप रेडी रहना 2 मिलियन पे, और जल्दी पटना आ रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको 2 मिलियन करने हैं, ठीक है दोस्तों।
और कुछ कहना आप लोगों को? शुक्रिया दोस्तों 18 लाख तक पहुंचाने के लिए, बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करिए कि 2 मिलियन हो जाए और हम आपके साथ हों। 18 लाख वाला सर ने बोल दिया, देखो जिन लोगों ने 18 लाख का स्क्रीनशॉट लिया ना वो हितेश सर से मिलना मत भूलिएगा, ये गिफ्ट जरूर देंगे, बहुत बड़ा दिल है इनका। नहीं देंगे तो हितेश सर को पकड़ेंगे। हितेश सर ये गिफ्ट, ये बात रिकॉर्ड कर लेना, हितेश सर ने बोला था गिफ्ट देने के लिए, इस बात को भूलना मत, और हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे, हम विवेक सर हनुमान सर। अरे गिफ्ट मत बताओ भी, इस चीज के गवाह हैं हम 4 लोग और यहाँ पे 1800 लोग देख रहे हैं, इस चीज के गवाह हैं कि हितेश सर जब भी आपसे मिलेंगे और आप उनको 18 लाख का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे तो हितेश सर की तरफ से उनको स्पेशल गिफ्ट होगा। हितेश सर बिल्कुल गिफ्ट तो मिलेगा, आप 18 लाख का स्क्रीनशॉट रख लो उसके बाद ही, अब जितने लोगों के पास होगा ये नहीं कि भाई कम्युनिटी से उठा ले, सिर्फ बर्बाद हो जाएंगे फिर तो सर। यहाँ पे आपको ईमानदारी रखनी, देखो ईमानदारी बहुत जरूरी है कि भाई मेहनत करके आपने 18 लाख का स्क्रीनशॉट निकाला है वो आप सर को दिखाइए, इधर उधर से नहीं अपनी मेहनत से। बिल्कुल ओके, चलिए विवेक सर से पास करते हैं और कहते हैं क्लास में क्लास लेते हैं सर, फिर आगे मिलते हैं, ठीक है? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ तक पहुँचाने के लिए, यही प्यार अपना साथ देते रहिए जिससे कि हम दिनों दिन आगे बढ़ते रहे, थैंक यू सो मच। और ये मत भूलना जो टेस्ट सीरीज धमाके के बाद एक और धमाका हितेश सर लेके आए कि स्क्रीन शॉट 2 18 लाख का और लेके जाइए आप, ठीक है? धमाके लेके आ रही, अब तो टीचर्स पर्सनल धमाके लेके आने लगे, भाई इससे बड़ी बात क्या होगी। हितेश सर हमारे टीम के सबसे दिलदार इंसान है, उन्होंने शुरुआत की है, सब लेके आएंगे कुछ ना कुछ। ओके थैंक यू, लीजिए विवेक सर। ओके ठीक है बच्चे, सफर तो चलता रहेगा, मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन सफर को ऐसे छोटे छोटे माइलस्टोन अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, खुशी होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन काम को। सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। और इसमें हम टीचरों का तो जैसा है सब ठीक है, लेकिन इसमें हमारे जो मतलब पैर हाथ और सारा कुछ है ना, जैसे हमारे शुभम सर हुए वहाँ पे जयपुर में, श्वेता मैम हुई, और हमारे नए सर टाइपराइटर जितेंद्र और रंजीत साहब, और हमारी जितनी टीम है जो आप कभी कभी हम साथ आते हैं तब देखते हो, जो कंटेंट आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाते हैं, इतना सब काम करते हैं वो भी, मतलब ये समझ लो कि जैसे कैसे बताऊँ, बस के टायर, बस चलेगी कोई बात नहीं, ड्राइवर भी होगा मगर टायर नहीं होंगे तो काम क्या, तो ऐसे समझ लो सब एक साथ जिंदाबाद धन्यवाद। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेन काम को, आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। लोहे की निष्क्रिय सत्ता, निष्क्रिय का मतलब है कि जब लोहे को HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में मिलाया जाता है तो उसके ऊपर एक आयरन की परत जम, एक ऑक्साइड की परत जम जाती है Fe3O4 की, और वो अनरिएक्टिव हो जाता है, एक्रियाशील, मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो जब उसको दोबारा रिएक्शन करानी होती है तो हाइड्रोजन गैस उसके साथ पास करते हैं और हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके वो दोबारा से क्रियाशील हो जाता है। तो फिर से समझ लो, जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ मिलाते हैं तो वो हो जाता है अनरिएक्टिव, दोबारा से हाइड्रोजन गैस उसके अंदर से निकाल दो वो रिएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, जब स्टील बनाते हैं ना, स्टील बनाते हैं तो 3-4 काम होते हैं, उसे बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, या स्टील पर ऊष्मा का कैसे कैसे प्रभाव करते हैं। तो क्या करते हैं इसमें कि जब उसको हम एक साथ बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, स्टील को जब हम एक साथ बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, रेड गर्म, और रेड गर्म करके तुरंत उसको कूल, मतलब उसको धीरे धीरे कूल कराते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, स्टील को आपने गर्म किया फिर धीरे धीरे कूल कराया, उसको ठंडा होने दिया, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है एनीलिंग। क्या बोला जाता है? एनीलिंग। जब एक बार आपने रेड गर्म कर दिया बिल्कुल लाल और फिर आपने उसे धीरे धीरे गर्म किया तो उसको बोला जाता है एनीलिंग, समझ रहे हैं मेरी बात को? दूसरी तरफ, और ये जो एनीलिंग प्रक्रिया होती है ना, इससे जो स्टील है वो सॉफ्ट बनती है, डक्टाइल बनती है, नर्म बनती है। दूसरी तरफ क्वेंचिंग, जैसे प्यास बुझाते हैं ना, प्यास को क्वेंच करते हैं, तो वहीं से आता है ये क्वेंचिंग। इसमें भी लाल करो, रेड गर्म करो और इसमें सडनली कूल कर दो, या तो उसको पानी में डुबो दो या तेल जो हीट सोखने वाले होते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, गर्म होने पर तुरंत ठंडी। तो हार्ड, थोड़ी सख्त और ब्रिटल वाली स्टील मिलती है, ये डक्टाइल नहीं होती। और तीसरा होता है टेम्परिंग, आपने इसको रेडनेस तक गर्म किया, ज्यादा लाल होने तक गर्म नहीं किया, उससे थोड़ा कम, और फिर उसको स्लोली स्लोली कूल कराया, तो ये ना ज्यादा हार्ड होती है ना ज्यादा ब्रिटल। तो एनीलिंग,
और टेम्परिंग और क्वेंचिंग, ये स्टील के लिए प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आ जाता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के साथ अगर सात पानी होते हैं FeSO4.7H2O, तो इसको हम ग्रीन विट्रॉयल बोलते हैं। हरा काचर भी कभी कभी कहते हैं, ग्रीन विट्रॉयल भी कहते हैं इसको, FeSO4 को। जो ब्लू और ब्लैक इंक होती है, काली और नीली स्याही, उसको बनाने में काम आता है, और एग्रीकल्चर में कृषि जो होती है उसमें कीटनाशक बनाने में। क्लियर है बेटा? फेरस सल्फेट तो थोड़ा सा ये पॉइजनस होता होगा, तभी तो कीड़े मारने के काम आता है। उसके बाद में आ जाती है Fe2O3। ये जो फेरस ऑक्साइड होती है इसको ज्वेलर गॉज ज्वेलर्स रफ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये मेटल्स को पॉलिश करने के काम आते हैं। जो मेटल्स वगैरह होते हैं ना ज्वेलर की दुकान में, उसको पॉलिश करने के काम आते हैं। एक होता है फॉल्स गोल्ड। फॉल्स गोल्ड कह लो या फूल्स गोल्ड कह लो, मतलब बेवकूफों का सोना। वो दिखने में सोने जैसा होता है, आयरन पाइराइट बोलते हो जिसे आप, फेरस सल्फाइड, लेकिन ये सोना नहीं होता। याद रखिएगा, दिखने में सोने जैसा होता है लेकिन सोना नहीं होता, इसलिए इसको झूठा सोना या इसको कभी कभी फॉल्स गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी धातु आती है वो आती है बच्चा तांबा, कॉपर। यहां तक ये जितनी चीजें आपको है ना, ये इनको दिमाग में रखते चलो। जैसे एनीलिंग, टेम्परिंग, क्वेंचिंग स्टील के लिए उपयोग होता है, फेरस सल्फेट डॉट सेवन एच टू ओ, ये ग्रीन विट्रॉयल होता है। अच्छा कि भाई Fe2O3 ये ज्वेलर्स रफ या मेटल्स की पॉलिश में काम आती है। फॉल्स गोल्ड क्या होता है, FeH2, देखो नाम से ही फॉल्स है, Fe फॉल्स, S भी आ रहा है उसके अंदर, तो फेरस सल्फाइड, आयरन पाइराइट। नेक्स्ट आ जाता है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और मास नंबर 64। जो इसकी अयस्क होती हैं, जहां से प्राप्त होता है, वो दो होती हैं, और भी कई सारी होती हैं, कॉपर पाइराइट भी होती है। हालांकि कॉपर पाइराइट, तांबा पाइराइट बोलते हैं जिसे, CuFeH2, कॉपर ग्लांस जिसमें सिर्फ सल्फर की होती है, Cu2S, ठीक है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कॉपर के एलॉय। नेक्स्ट, इनमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है बच्चा कॉपर के एलॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, एक बार दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं। ब्रास, पीतल, कॉपर और जिंक, ठीक है, मूर्तियां वगैरह बनती हैं, बर्तन बनते हैं, जो पीतल होता है, पीतल आपने देखा होगा। कॉपर और जिंक, 70% कॉपर, 30% जिंक। ब्रॉन्ज, कांसा, कॉपर और टिन, 90% कॉपर, 10% टिन, मूर्तियां बनती हैं। गन मेटल, बंदूक की इंजीनियरिंग में काम आता है, तो इसके अंदर कॉपर, टिन और जिंक तीनों होते हैं, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉपर, जिंक, पीतल, फिर कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, फिर कॉपर, टिन और जिंक तीनों आ गए। कॉपर 88%, टिन 10%, जिंक 2%, तो बन गया गन मेटल। उसके बाद में आता है कॉन्स्टेंटिन, ये इलेक्ट्रिकल में बहुत ज्यादा काम आता है। कॉन्स्टेंटिन ये एलॉय होता है कॉपर और निकिल का, Cu+Ni, ठीक है, निकिल का, 60% कॉपर, 40% निकिल। समझते रहिएगा, सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत होना, थोड़ा सा टफ तो रहता है, एक घंटे में फिर खुद से पढ़ोगे सारी चीजें आ जाएंगी। बेल मेटल, बेल जो बनती हैं जिसकी घंटियां, उसमें कॉपर और टिन 80% और 20%, देखो 10% होता तो ब्रॉन्ज बन जाता और 20% हो गया तो बेल। एक होता है जर्मन सिल्वर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें सिल्वर लिखा हुआ है, चांदी, लेकिन इसमें चांदी जैसी कोई भी चीज नहीं है, ये कॉपर, जिंक और निकिल का एलॉय होता है, जर्मन सिल्वर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यूज वगैरह भी वहां पे बता चुका हूं। रोल्ड गोल्ड जिसे कृत्रिम सोना भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सोना, तो ये कॉपर और एल्यूमिनियम का होता है, 90% कॉपर, 10% एल्यूमिनियम। और एक होता है डेल्टा मेटल, कॉपर, जिंक और आयरन, ये क्या होता है डेल्टा मेटल, क्या होता है कि शिप वगैरह के जो प्रोपेलर होते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, वो समुद्र में रहते हैं, तो उनमें जंग नहीं लगता, उसकी प्रोपेलर बनाए जाते हैं डेल्टा मेटल से, जिससे जंग ना लगे, कॉपर, जिंक और आयरन। और एक होता है मुंट्स मेटल, मुंट्स, MUNTZ, इसमें कॉपर और जिंक। तो इनमें याद करने के लिए आसान है,
कॉपर और निकिल 60-40% हो, तो निकिल नाइक्रोम आपको याद है प्रेस में यूज होता है, जहां पे ये जो मतलब हमारी इलेक्ट्रिक प्रेस वगैरह होती थी इनकी गूंज जो बनी होती थी फिलामेंट, तो वहां पे निकिल होता था, तो वहीं से समझ लो 60% 40% कॉन्स्टेंटिन, क्योंकि उस पर कॉन्स्टेंट रहता था, इस तरह से समझ लेना। दूसरा आ जाता है इधर मुड्स, इसमें कॉपर के साथ जिंक आ जाता है तो कॉइन बनाने के काम आता है। उसके बाद में कॉपर को सर नेक्स्ट कॉपर सल्फेट के साथ पानी, अगर कॉपर के साथ CuSO4.5H2 हो तो उसको नीला थोथा बोलते हैं, ब्लू विट्रोइल, जैसे 7H2O वालों को क्या बोलते थे ग्रीन, इसको बोला जाता है ब्लू, जहरीला होता है और फंगस को हटाने के काम आता है फंगीसाइड, फंगस को हटाने के काम आता है फंगीसाइड। नेक्स्ट लगाइए सर, नेक्स्ट जो और मतलब नेक्स्ट जो मेटल हो जाता है बच्चा हमारा, ठीक है, इसमें एक और चीज लिख लो स्टार डाल के कि कॉपर से जुड़ी हुई एक डिसीज है जिसका नाम है विल्सन डिसीज, आंखों की हमारी पुतली होती है ना आयरिस, इसमें कॉपर का जमावड़ा हो जाता है उसे विल्सन डिसीज बोलते हैं, और ये माता पिता से बच्चों में भी आती है। इसमें क्या है हमारी बॉडी कॉपर को इकट्ठा करने लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं विल्सन, WILSON। तो सिल्वर Ag से दिखाते हैं, 47 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 108 इसका मास नंबर होता है, अयस्क इसकी कुछ ओर्स हैं जहां से मिलता है, तो देखो सिल्वर ग्लांस Ag2S, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न माने क्लोरीन, अगर क्लोरीन गैस कहीं पे आ जाए तो क्लोरीन गैस बहुत ज्यादा हानिकारक भी होती है तो हॉर्न बच जाएगा, तो हॉर्न सिल्वर AgCl, रूबी सिल्वर, तो इसमें Ag2S भी होता है, Sb2 और S3, ठीक है, ये हो जाती है रूबी सिल्वर। इसका जो निष्कर्षण होता है ज्यादातर वो Ag2S, सिल्वर ग्रेन्स ग्लेंस कह दो या अर्जेंटाइट कह दो, उससे मिलता है ज्यादातर जो इसका एक्सट्रैक्शन होता है वो अर्जेंटाइट से होता है। नेक्स्ट सर, एक क्वेश्चन आता है कि आपने देखा सिल्वर ग्लेंस है, हॉर्न सिल्वर है, रूबी सिल्वर है, सब में सिल्वर है, लेकिन हमने जो जर्मन सिल्वर नाम का पढ़ा था वो एक एलॉय होता था। एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि एग वगैरह जो होते हैं, एग अंडे, उसके अंदर से सल्फर गैस निकलती है जिसकी वजह से बदबू आती है जब अंडे के कुछ चीजें बनती हैं, तो सिल्वर की चम्मच से चांदी की चम्मच से नहीं खानी चाहिए अंडे वगैरह, क्योंकि जो सल्फर गैस होती है आपको पता है वो Ag2S सिल्वर सल्फाइड बना देती है, ठीक है, और ये ब्लैक कलर का होता है, हार्मफुल होता है हमारे लिए, नुकसानदायक होता है, तो इसलिए हमें सिल्वर से एग नहीं खाने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें AgNO3, और नहीं खींचे सर आपने, एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा और भी थे वो कहां चले गए, एक सेकंड, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, यहां तक बताइए, ये रह गया है, इसको खींचिए फटाफट, ठीक है, इतने फिर क्वेश्चन कर लेंगे और एक स्लाइड और है इसके अलावा। तो AgNO3 जिसे लूनार कास्टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं लूनार कास्टिक, इसको स्टार लगा के लिख लो, जो वोटर इंक वगैरह होती है वोटर इंक, तो वोटर इंक पे ये लूनार कास्टिक हेल्पफुल होता है, जो वोटर इंक होती है वोटर स्याही, इसमें लूनार कास्टिक लगाते हैं, आपने देखा है ना जब आप वोट देने जाते हो तो आपके उस पर एक स्याही सी लगा दी जाती है, ये जो स्याही होती है ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है, क्या होता है ये सिल्वर नाइट्रेट, इसके साथ भी एक बीमारी अटैच होती है, लिख लो, अगर सिल्वर हमारे बॉडी में ज्यादा चला जाता है या सिल्वर नाइट्रेट, तो इसके साथ भी हमारे एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम होता है ARYGYRA, समझ रहे हैं, तो इस ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ये हमारे उसमें काम आ जाता है सिल्वर में। सर पहले एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लगा दो, तो ये क्लोक क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेंगे आप, फिर वो लगा दीजिएगा, ठीक है बच्चा, तो अब आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, परेशान मत होना, लूनार कास्टिक बोलते हैं या AgNO3, तो आप कोई पूछेगा कि वोटर इंक की स्याही में क्या होता है तो आप बता देना सिल्वर नाइट्रेट, कुछ दिन के बाद में वो हट जाती है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको छोटे छोटे चीजों को लिखते रहना, इसलिए मैं बस छोटा छोटा ही करा रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। ठीक है सर, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और हालांकि कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बच्चे कम पढ़ना चाहते हैं, बट कोई बात नहीं, क्योंकि अब मकसद अपना बदल गया है, अब पूरी चीजें क्लियर करनी है कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके बाद भी बच्चा हमारे पास पूरा एक महीना, तो अगर जुलाई में भी पेपर होता है एलपी का, पूरा एक महीना 30 दिन, और अगर अगस्त में होता है तो 2 महीने। मैं कह रहा हूं यार, 2 महीने में इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि तुम लोग परेशान हो जाओगे क्वेश्चन करके, इसलिए मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट कर लो। कॉन्सेप्ट के साथ में डेली क्वेश्चन भी दे रहा हूं, 10 से 15 क्वेश्चन डेली देता हूं, तो जो 25 क्वेश्चन है ना वो यहीं पे मैंने क्लास में बता देता हूं उन्हें जो आने होते हैं। उसके अलावा आपको कॉन्सेप्ट भी जा रहे हैं, तो पूरा एक 360 डिग्री आपके अंदर चेंज आएगा। बस थोड़ा संभल के चलते रहिए बिना परेशान हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ओर्स ऑफ आयरन, इनमें से कौन सी आयरन की अयस्क है? तो बेटा हेमेटाइट भी होता है, सिडेराइट भी होता है, लिमोनाइट भी होता है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे, क्वेश्चन नंबर 1 का डी, सारे के सारे होते हैं। ठीक है सर, लग गई वो स्लाइड्स, फटाफट से दिखा दीजिए बच्चों को। बेटा बस एक स्लाइड है, इनको पढ़ लो तो थोड़ा सा फिर क्वेश्चन करने में आसानी होगी। शाबाश। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएंगे, सारी की सारी ओर्स हो जाएंगी। इतने क्वेश्चन नंबर 2 लगा दो सर, अगर आपको टाइम लगेगा तो यह लगा दो स्लाइड फटाफट। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, इसमें पिछले से लगाइए, पीछे से मतलब दूसरी साइड वाले, क्योंकि इसमें सिल्वर का था ना सब कुछ। तो बेटा AgNO3 आपने पढ़ा क्या होता है, वोटर की इंक में काम आता है। और सेकंड पढ़िए AgBr, ये मैं पहले भी बता चुका हूं रिएक्शंस में, ये फोटोग्राफी में काम आता है। ये क्या होता है, इस पर जैसे लाइट पड़ती है AgBr पे, ये टूट जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में काम आती है, सिल्वर क्लोराइड AgCl2 ये फोटोक्रोमेटिक ग्लास बनाने में, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में काम आता है। और नेक्स्ट होती है AgI, सिल्वर आयोडाइड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कभी देखा होगा आर्टिफिशियल रेन, जो कृत्रिम वर्षा होती है ना, इसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, CLOUD, क्लाउड SEEDING। तो क्लाउड सीडिंग टेक्निक जो होती है, इसमें कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, तो इसमें AgI के रॉकेट छोड़े जाते हैं ऊपर बादलों में, वो कंडेंसेशन कर देते हैं, संघनन, जिससे पानी की बूंदें भारी होकर बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो आर्टिफिशियल रेन में आयोडाइड। इसी तरह AgCl में, AgCl होती है फोटोक्रोमेटिक कांच, और AgBr फोटोग्राफी में। इसकी डिसीज जो होती है इसके बढ़ने से, वो हो जाती है ARGYRIA, अर्गिरिया। इसमें हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल ग्रे हो जाती है सिल्वर के जैसी। नेक्स्ट जो हमारा धातु आती है वो आती है बच्चा, सर नेक्स्ट लगाइए, ये नहीं जिंक वाले जो भी आपने दिखाए थे, गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, गोल्ड। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। ठीक है, और ओर्स होती है इसकी कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट, जिसमें गोल्ड टेल्यूरियम के साथ होता है, और दूसरे में सिल्वेनाइट में सिल्वर भी होती है, टेल्यूरियम भी होता है। अब आप कहोगे सर गोल्ड तो नोबल मेटल है, बेटा वो फ्री भी स्टेट में भी मिलता है, और कभी कभी इन दोनों के साथ भी मिलता है, बहुत ज्यादा नर्म होता है, इसलिए सर दिखाना एक बार स्लाइड, बहुत ज्यादा नर्म होता है, जिसलिए इसके जो बिल्कुल प्योर होता है 24 कैरेट गोल्ड, वो सॉफ्ट होता है, इसलिए गहने बनाने के काम नहीं आता, तो गहने बनाने में उसमें कॉपर मिला दिया जाता है। जैसे 22 कैरेट, तो 22 कैरेट में क्या होता है, 22 पार्ट्स तो होते हैं प्योर गोल्ड के, और 2 पार्ट मिला दिए जाते हैं। जैसे मान लो 24 ग्राम बना रहे हो, तो 22 ग्राम सोना प्योर और 2 ग्राम कॉपर, तो इस तरीके से वो हार्ड हो जाता है और हमारे गहने बनाने में काम आता है। और लास्ट सर जिंक। देखो बच्चा, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है, याद तो तुम्हें करने पड़ेंगे, याद रखना, जैसे 79 गोल्ड का, इसी तरह जिंक का 30 नंबर होता है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर 65। जिंक की 3 इंपॉर्टेंट ओर्स होती हैं, जिंक ब्लेंड, जिंकाइट और कैलामाइन, कैलेमाइन,
समझ रहे हैं, जिंक ब्लेंड जेडएनएस, जिंकाइट जेडएनओ और केलेमाइन। फिर इसके यूज बता रखे हैं आपको, यूज क्या क्या होते हैं। तो जिंक का यूज होता है गैल्वेनाइजेशन, याद है ना आपको, गैल्वेनीकरण में, गैल्वेनाइजेशन में इसका इस्तेमाल होता है। जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड जो होती है ये चूहा मार दवा की तरह काम आती है। जिंक क्लोराइड, लकड़ी को टर्माइट से बचाने के लिए, लकड़ी में कीड़े लग जाते हैं ना दीमक, तो उससे बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है। समझ रहे हैं, जिंक क्लोराइड का क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। ओके, इधर जिंक कार्बोनेट, अगर आपकी स्किन पे कुछ इफेक्ट हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है हमें, तो जिंक कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप केलामाइन भी कह सकते हो, ठीक है। और लास्ट होता है जिंक सल्फेट डॉट सेवन एच टू ओ, ये व्हाइट कलर का होता है इसलिए इसको व्हाइट विट्रॉयल कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रिंटिंग में काम आता है, याद रखिएगा, ये प्रिंटिंग कैलिको प्रिंटिंग बहुत फेमस प्रिंटिंग थी कपड़े पे छपाई, तो कैलिको प्रिंटिंग वगैरह में जिंक सल्फाइड का काम होता है, क्योंकि ये व्हाइट रंग का होता है। फिर से समझ लो, गैल्वेनाइजेशन में काम आता है, जिंक फॉस्फाइड चूहा मार दवा, जिंक क्लोराइड वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए लकड़ी की, और जिंक कार्बोनेट स्किन डिसीज। अब लगाते रहिए सर क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा सर, 30 सेकंड गिन के रखिएगा, क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 15 है बेटा, सारे करने हैं। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया था वो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, परेशान मत होइएगा, बात मत कीजिए। चर्म रोग की दवा जिंक कार्बोनेट, चर्म रोग की तरह, स्किन डिसीज की तरह, स्किन डिसीज में यूज होता है, और ZnO4.7H2O उसको व्हाइट विट्रॉयल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, व्हाइट विट्रॉयल। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी सारे क्वेश्चन आप लोग सही करोगे, देखना सारे क्वेश्चन आप लोग सही करोगे, देखना आप लोग अभी। और एक बात याद रखिएगा, इसको अपनी किताब में लिख लो कहीं पे, कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग सबकी समझ में नहीं आते और तुरंत समझ में नहीं आते, सुन लेना, अच्छी किताबें अच्छी पढ़ाई और अच्छे लोग सबकी समझ में नहीं आते, तुरंत समझ में नहीं आते, लेकिन पढ़ते सब है उन्हें, पढ़ना पड़ता है उन्हें समझने के लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है, क्वेश्चन नंबर वन, अच्छा वो थर्ड लग गया था, क्वेश्चन नंबर वन, क्वांटिटी ऑफ आयरन की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वांटिटी ऑफ आयरन, बिल्कुल सही बेटा, ज्यादा हो जाए तो साइड्रोसिस, कम हो जाए तो अनीमिया, तो ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि जो विल्सन नाम की डिसीज है वो किससे जुड़ी हुई है, कॉपर से, ठीक है, कॉपर से, शाबाश। सेकंड सर, 30 सेकंड ही रखिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा, लग रहा है यूपी पुलिस का 11 बजे होती है रात को, हिस्ट्री चल रही है, कहां सो रहे हो आप, शाबाश शाबाश। इसमें आपको पता है ना, कम हो जाती है लेस, कम हो जाती है तो अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है, और ज्यादा हो जाती है मोर, तो साइड हो जाओ, क्योंकि लोहे का सामान आ रहा है, ज्यादा बाहर निकल रहा है, साइड्रोसिस। इनमें से कौन सी आयरन की ओर ये क्वेश्चन हो गया था, डी, इसका क्या है आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू का क्या हो जाएगा इसमें, डी, सारी की सारी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें किसमें मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, चुंबकीय गुण होते हैं, आयरन की कौन सी ओर में चुंबकीय गुण होते हैं, फटाफट से बताइए, आयरन की कौन सी ओर में चुंबकीय गुण होते हैं, बिल्कुल सही, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नेटिक क्वालिटीज चुंबकीय गुण, बिल्कुल सही, किसमें होते हैं, मैग्नेटाइट में, किसमें होते हैं बेटा, मैग्नेटाइट, जो मैग्नेटाइट नाम की ओर होती है उसमें चुंबकीय गुण होते हैं, ठीक है, Fe3O4 मैग्नेटाइट होती है ना, ये प्योर, इसको वो भी बोल सकते हैं मैग्नेट, इसमें चुंबकीय गुण होते हैं,
क्वेश्चन नंबर फोर, बिल्कुल सही मैग्नेटाइट, सारे आंसर सही करोगे आप लोग, पर आप लोग मेरी सुनते नहीं हो ना, तभी गड़बड़ होती है, बाकी तो आप लोग अच्छे हैं सब, शाबाश। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, टोबू कहता है ना ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है प्योरेस्ट वैरायटी ऑफ आयरन, आयरन की सबसे शुद्ध किस्म कौन सी है इनमें से, सबसे शुद्ध जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, सबसे शुद्ध, बिल्कुल सही, सबसे शुद्ध कौन सी होती है, रॉट आयरन, क्योंकि इसमें 0.12 से 0.25% कार्बन होता है, इसलिए इसको सबसे शुद्ध माना जाता है। सबसे बेकार पिग, सेकंड नंबर पे कास्ट आयरन, और ये पिटवा रॉट, ठीक है, सेकंड नंबर पे ढलवा लोहा, और ये पिटवा लोहा जो होता है ये सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, गुड गुड शाबाश, ऐसे सर तेज तेज, क्योंकि 15 क्वेश्चन करने हैं और 13 मिनट है, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बेटा, क्योंकि पिग आयरन तो सबसे बेकार होता है 4% के करीब, इसमें थोड़ी कम होती है कास्ट में, और सबसे कम पिटवा, और ये सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फाइव तो आया नहीं, छठा आ गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एनिलिंग, क्वेंचिंग और टेम्परिंग, ये किस, इसके द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है इसके द्वारा, एनिलिंग, क्वेंचिंग, टेम्परिंग, बेटा स्टील, क्या प्राप्त किया जाता है, स्टील, क्योंकि एनिलिंग में बहुत जल्दी गर्म, मतलब उसको रेड गर्म करके धीरे धीरे ठंडा, क्वेंचिंग तुरंत ठंडा, प्यास बुझ गई तुरंत, और टेम्परिंग में, टेम्परिंग मतलब उसको ना गर्म, मतलब ज्यादा गर्म नहीं किया, रेड से कम गर्म किया और उसको धीरे धीरे ठंडा किया, तो इससे अलग अलग क्वालिटी की स्टील मिलती है। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये क्वेश्चन नंबर सिक्स था सर, सर आज कभी कभी मुझसे भी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, मैं कहता हूं फास्ट, वो सुपर फास्ट हो जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फाइव आ जाता है, पैसिव आयरन, अगर आयरन निष्क्रिय हो जाए, अगर आप आयरन के साथ HNO3 कंसंट्रेटेड मिला देते हो तो वो क्या हो जाता है, निष्क्रिय, तो उसको क्रियाशील बनाने के लिए क्या किया जाता है, बिल्कुल सही, क्या निकाली जाती है उसमें से, हाइड्रोजन गैस, बताया था ना, हाइड्रोजन गैस उसे क्रियाशील बना देती है, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड का तो नाम भी नहीं लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम आती है, और जो केक वगैरह होते हैं वो फ्लफी किसकी वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जो छेद छेद से होते हैं उनमें, और जो N2 होती है अपनी, ये चीजों को ठंडा रखती है और ये रिएक्शन नहीं होने देती, चिप्स के पैकेट वगैरह में, टायर के, टायर में भी भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेवन, बिल्कुल सही शाबाश, हाइड्रोजन गैस हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर, ये निष्क्रिय कर देती है, क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो कौन सी गैस आती है, हाइड्रोजन, शाबाश। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से, बताइए नाम क्या ये सही है, ग्रीन विट्रोइल, हरा कांचर, FeSO4, ब्लू विट्रोइल, CuSO4 और व्हाइट विट्रोइल जिंक, बिल्कुल सही, ये सारे के सारे नाम बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, आपको इनकरेक्ट बताना था, तो ये इनमें से कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल अबव राइट, कोई बच्चा बोल रहे हैं, बिल्कुल सही शाबाश, ये सारे के सारे सही हैं, ग्रीन विट्रोइल, ब्लू विट्रोइल, व्हाइट विट्रोइल, जिंक वाले को व्हाइट। क्वेश्चन नंबर आठ, फॉल्स गोल्ड, बेवकूफों का सोना, बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है, बेवकूफों का सोना, सर क्वेश्चन नंबर नाइन, बिल्कुल सही, किसे कहा जाता है, ए, आयरन पाइराइट, यस, फेरस सल्फाइड, FeS2 को क्या कहा जाता है, बेवकूफों का सोना, शाबाश, क्योंकि ये आयरन जैसा लगता है देखने में, लेकिन आयरन, वो आयरन कह रहा हूं, गोल्ड जैसा लगता है, लेकिन इसीलिए बेवकूफ बन जाते हैं, बेवकूफों का सोना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, सर तेजी से करना है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, आपके लिए चैलेंज है। क्वेश्चन नंबर नाइन, शाबाश बेटा,
बहुत अच्छे, गुड गुड। क्वेश्चन नंबर 9, और अब हमें ना तुम्हारा भाई उससे निकल गया इन सब मोहमाया से, लाइक डिसलाइक कुछ नहीं, अब इन सबसे ऊपर, ठीक है, संतुष्टि एकमात्र, शाबाश। कॉन्स्टेंट याद हो तो बताया था, नाइक्रोम से जोड़ के कुछ बताया था, याद है ना, फटाफट बताओ, शाबाश, कितना मजेदार बताया तुम लोगों ने। और इसमें मैंने ये भी बताया था क्या होता है, कॉपर प्लस निकिल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% 40%, तो कॉन्स्टेंटेन किसका होता है, कॉपर और निकिल का, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कॉपर और जिंक पीतल, कॉपर और टिन ब्रास, वो ब्रॉन्ज, कॉपर और जिंक ब्रास या पीतल, कॉपर और टिन ब्रॉन्ज, और कॉपर और जिंक ब्रास बनाने के लिए 70-30%, और ये नीचे वाला कॉपर और टिन ब्रॉन्ज बनाने के लिए 90-10%, बिल्कुल सही, कॉपर एंड निकिल। रोल्ड गोल्ड आर्टिफिशियल सोना, रोल्ड गोल्ड खो जाए तो गम नहीं और सोने से कम नहीं, भाइयों बहनों इसको खरीद लो, अगर तुम गरीब हो तुम वो सोना नहीं खरीद सकते तो तुम इस सोने को जरूर खरीद लो, ठीक है, जल्दी बताइए कौन सा होता है, शाबाश, कॉपर और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, कॉपर और एल्यूमिनियम, ये 90% और ये 10%, अरे 10-12 तो तुमको याद हो जाएंगे, और 10-12 को भाइयों बहनों तुम खुद से याद कर लेना, शाबाश, वेरी गुड, सही है, रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 है सर, बहुत अच्छे, सही जा रहे हो, ठीक है, 12-13 तो आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसके अंदर चांदी नहीं होती, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से किसके अंदर चांदी नहीं होती, अरे वाह, आंसर भी आ गया, भाइयों बहनों भारत में माल्या आए ना आए, तुम्हारे आंसर रुकने नहीं चाहिए, कतई भी आते रहने चाहिए, धड़ाधड़ आंसर, माल्या आए ना आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सही, जर्मन सिल्वर कुछ नहीं है, ये तो कॉपर जिंक और निकिल का एलॉय है, ये 5%, ये 15%, और ये नहीं, ये 35%, और ये 15%, और ये 50%, बिल्कुल सही, कॉपर जिंक और निकिल, शाबाश। बाकी हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और जर्मन सिल्वर, सिल्वर ग्लेंस, ये क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, डी, ये नहीं होता कुछ भी, बाकी ऊपर की तीनों उसकी वो होती हैं, ओर्स, बिल्कुल सही, शाबाश, है ना, शाबाश, बहुत अच्छे, ऐसे पढ़ते रहो तुम जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट है, जल्दी से बताइए, गलत है, शाबाश। वोटर इंक, AgNO3 लूनर कास्टिक, AgBr फोटोग्राफी, और ब्लैक एंड व्हाइट से समझ लेना, AgBr सिल्वर, Br ब्लैक, AgCl बिल्कुल गलत है, AgCl का काम होता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास, और आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी गलत है, AgCl, AgI होती है आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा, ठीक है, इसको क्या बोलते थे, क्लाउड सीडिंग लिखवाया था, इसको लिख लेना, क्वेश्चन आता है क्लाउड सीडिंग, AgI, AgCl तो फोटोग्राम क्रोमेटिक कांच में इस्तेमाल होती है जो अपना रंग बदल लेता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी, Ag2S सिल्वर के साथ एग खाओगे तो वो बन जाएगा, बिल्कुल सही। ओर्स ऑफ गोल्ड कौन कौन सी हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13, गोल्ड की ओर्स, सर जल्दी लगा दीजिए, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट दोनों हैं, ये AU और टेल्यूरियम, और दूसरी वाली AU भी है, AG भी है और टेल्यूरियम भी है, इस तरह की, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, बस बेटा एक सेकंड जल्दी, इनकरेक्ट है इसमें से, चरम रोग, रेट पॉइजन,
और कीट मारक, तो इसमें डी ऑप्शन लिख लेना क्वेश्चन नंबर 14 के डी में। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, या इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, नोटा डी ऑप्शन मैंने नहीं दिया है। और क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, यह आंसर आप बताओगे कमेंट करके, और कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा बेटा, ये नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा और तुम पाप के भागीदार बनोगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, कल फिर मिलते हैं, बाकी के बचे हुए मेटल्स और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा। क्वेश्चन फास्ट इसलिए, टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।